हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम फूड रेसिपीज़। और होम फूड रेसिपीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कच्चे केले के कोफ्ते। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं और बड़ों को और बच्चों को, सभी को खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएँ। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं कच्चे केले के कोफ्ते। तो यहाँ पर मैंने 5 केले लिए हैं जिन्हें उबाल लिया है और अच्छे से मैश कर लिया है। 1 स्मॉल साइज अनियन जिसे चॉप कर लिया है। तो पहले मैं आपको कोफ्तों के लिए मसाला बता रही हूँ, कोफ्तों में जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। और यहाँ मैंने 1 ग्रीन चिली ली है जिसे बारीक चॉप कर लिया है, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 125 ग्राम बेसन, 2 टीस्पून देसी घी और कोरिएंडर लीव्स। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रेवी के लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है, यहाँ हमने 4 अनियंस ली है जिनका बारीक पेस्ट बना लिया है। और इसी में मैंने 2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट और 1.5 टीस्पून जिंजर पेस्ट मिक्स कर लिया है सबको। 4 टमेटो चाहिए हमें और इनका बारीक पेस्ट चाहिए, ऑयल 1/2 टीस्पून, साबुत जीरा, 15 काली मिर्च, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 6 लौंग, 6 छोटी इलायची, 4 तेज पत्ते और जायफल जावित्री, जिसमें जायफल हमें 1 चने के बराबर लिए हमने, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, ये आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, यहाँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर एंड 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। तो आइए बनाना शुरू करते हैं कच्चे केले के कोफ्ते। तो मैंने केलों को अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहें तो किसी मैशर का यूज़ कर सकती हैं या हाथ से भी इनको मैश कर सकती हैं। और अब फ्रेंड्स, इनमें हम सारी चीज़ें डालेंगे, जैसे कि ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे। पहले मैं हरी मिर्च इसके अंदर डाल दूंगी और अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे मसाले ये डाल दूंगी। तो इसमें क्या होता है, ये जो अमचूर पाउडर का हम यूज़ कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा खट्टापन आ जाता है इसमें, जो बहुत अच्छा लगता है कोफ्तों के अंदर। और ये प्याज डाल देंगे हम, इसे बिल्कुल बारीक चॉप कीजिएगा। कोरिएंडर लीव्स और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाथों से। और अब इनके अंदर मैं ये बेसन डालूंगी, थोड़ा थोड़ा डालकर इसे मिक्स करना है हमने, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो खुशबू इसमें से बहुत ही अच्छी आ रही है फ्रेंड, क्योंकि प्याज और हरी मिर्च हमने इसमें डाली है तो उनकी खुशबू आपस में मिलके बहुत अच्छी हो जाती है। और जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और बेसन इनको बाइंड करने का काम करेगा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे असली घी। तो कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जब हम कोफ्ते बनाते हैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, तो असली घी से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाते हैं और एकदम सॉफ्ट बनते हैं कोफ्ते। तो यहाँ मैं 2 टीस्पून देसी घी डाल रही हूँ और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो सबसे पहले हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इस तरह से, इससे क्या होगा कि ये चिपकेगा नहीं हाथों में। और इसे लेने के बाद में इस तरीके से हम बॉल बनाएंगे इसकी, ऐसे करके। इस तरह से करने से कोफ्ते बिल्कुल गोल बनते हैं। और इस तरह से हम सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने सारे कोफ्तों की बॉल्स रेडी कर ली है बनाकर बिल्कुल। और यहाँ मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था, जो कि अच्छे से गर्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसको हमें बहुत ज्यादा तेल को तेज गर्म नहीं करना है। और जब भी हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे तो मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जलेंगे नहीं, धीमी धीमी
आंच में ये सिकते रहेंगे। अगर हम एकदम हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे कोफ्तों को तो ये जल जाएंगे, बाहर से तो गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ मैं कोफ्ते डाल रही हूँ। इन्हें बिल्कुल भी हमें हाई फ्लेम पर नहीं रखना है। और जब ये थोड़े से नीचे से सिक जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे कोफ्ते हमारे, तब हम इन्हें पलट देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इन्हें चम्मच से पलट दूंगी इस तरीके से। और जब ये बिल्कुल गोल्डन कलर के फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकियों को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं तो तब तक हम अपना ये ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 6 टेबल स्पून ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और उसमें हम जितना भी ये साबुत हमारे खड़े मसाले हैं इनको डाल देंगे। और अच्छे से इन्हें जब ये गोल्ड ब्राउन हो जाएगा जीरा हमारा हल्का सा, तो इसमें हम प्याज को ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा और ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आजकल तो वैसे भी बरसात का सीजन है और सब्जियां बहुत ज्यादा कम मिल रही हैं। तो अब कोफ्ते अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादातर लौकी और टिंडे इस मौसम में चलते हैं जो बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो जीरा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। और इसको प्याज को हम इतना भून लेंगे जब तक कि तेल इसका ऊपर ना आ जाए और प्याज थिक ना हो जाए ग्रेवी हमारी। तो देखिए प्याज हमारी बिल्कुल हल्की सी ब्राउन कलर की हो चुकी है और कितना अच्छा कलर आया है, और इससे जायका ग्रेवी का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये टोमेटो प्यूरे जो हमने बनाया था। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको ऐड कर दूंगी, सिर्फ गरम मसाला रहने देंगे हम, बाकी सारी चीजें इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अमचूर पाउडर भी डाल रही हूँ फ्रेंड्स, जिससे ग्रेवी थोड़ी खट्टी सी हो जाती है जो बहुत ही अच्छी लगती है जायके में। और मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं। अब देखते हैं कि कोफ्तों का क्या हाल है। तो देखिए कोफ्ते भी अच्छे फ्राई हो गए हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। इन सबको, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनका और बिल्कुल स्मूथ बने हैं कोफ्ते जैसे होने चाहिए। और जो बाकी कोफ्ते हमारे रह गए थे उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे डाल के इसमें। और इधर ग्रेवी को देख लेते हैं। तो अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे ग्रेवी को, जब तक कि तेल इससे अलग ना हो जाए हमारा। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी ग्रेवी में पानी थोड़ा ज्यादा पड़ता है, क्योंकि जब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे तो कोफ्ते जो होते हैं वो पानी ज़रा ज़्यादा सोख लेते हैं, तो इसलिए ग्रेवी को हमें ज़्यादा रखनी होगी। और यहाँ तकरीबन मैंने 2.5 कप पानी डाल दिया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से भी ग्रेवी रख सकते हैं। और इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैंने रख दिया है पकने के लिए मसाले को। तो ग्रेवी तो हमारी पक ही रही है, कोफ्तों को देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है और ये भी बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, तो इनको भी हम निकाल लेंगे। तो अगर आप चाहें तो इन्हें इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं कोफ्तों को, चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, और चाहें तो ग्रेवी में डाल के खाएं। तो इनको मैं सबको निकाल लूंगी अब। ये बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और लगते भी बहुत ज्यादा डिलीशियस हैं खाने में, तो इन्हें मैंने सबको निकाल लिया है यहाँ।
तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे लग रहे हैं और बिल्कुल स्मूथ हैं ये। और देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ अंदर से। हमने जो घी यूज़ किया था इसमें, तो इसकी वजह से इसमें लम्स भी नहीं पड़ा है अंदर, कोफ्ते के अंदर जैसे लम्स हो जाते हैं। और कितना सॉफ्ट बने हैं ये एकदम बिल्कुल, और ग्रेवी में जाके तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ग्रेवी हमारी कितने अच्छे से पक चुकी है और इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये जायफल और जावित्री जो मैंने लिए थे, इनका मैंने इमाम दस्ते में कूट कर बारीक पाउडर बना लिया है। तो इसको मैं इस ग्रेवी में डाल दूंगी पाउडर को। इससे क्या होगा कि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा मसाले की इन्हेंस हो जाएगी और ये बहुत अच्छा लगता है कोफ्तों में, तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं यहाँ ऐड कर दूंगी गरम मसाला पाउडर, आधा मैं इसमें मिलाऊंगी और आधा पाउडर मैं बचा लूंगी गार्निशिंग के लिए। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये कोफ्ते। तो फ्रेंड्स मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ होम फूड रेसिपीज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।